My name is Mayank Arora and you're watching National Report. सर, सबसे पहले शो में आपको बहुत प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? काफी और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आ रहे हैं। हाँ, प्यार तो टचवुड स्टार्टिंग से ही मिल रहा है, लेकिन जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं अभी वो थोड़ी उथल पुथल कर रहे हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि शादी में तोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे सच पता लग गया था अनीशा को, लेकिन अनीशा नहीं चाहती कि मैं शादी तोड़ूँ, तो वो ब्लैकमेल कर रही थी कि शादी नहीं तोड़ोगे तो मैं कूद जाऊँगी, एंड फाइनली वो कूद जाती है, जिसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर आता है कि लोगों को लगता है कि मैंने ही उसे धक्का दिया या मारा जो, तो वो थोड़ी टेंशन चल रही है। ओके, पुलिस अरेस्ट कर लेती है शो में, क्या कहना चाहोगे, मतलब इस अरेस्ट से कैसे बचोगे? वो तो मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे खुद के एकदम माइंड ब्लैंक हो चुका है, हाथ पैर कांप रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि सबको सच पता लग जाए, मैं फोर्स कर रहा था कि सच बता दो, लेकिन नहीं बताया उसने, उससे पहले ही यू नो शी पास्ड अवे, और अब मुझे लग रहा है कि अब सच कैसे पता लगेगा, तो वही सारी टेंशन। अब पुलिस भी आ चुकी है, फैमिली पूरी मुझे ब्लेम कर रही है, तो लेट्स सी वेयर इट गोस। कुछ एविडेंस रखा है कि नहीं आपने, मतलब कुछ पता है, मतलब आपको जिस कैसे पता चला? मुझे भी नहीं पता। ओके, और शो में अगर हम बात करें सेट में, आपकी किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, अगर हर्षद है या पे प्रणाली है? सारे सबके साथ बहुत अच्छी टीम है। ओके, ओके, कल 15 अगस्त है, तो किस तरह की सेलिब्रेशन होने, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे, कल 75 ईयर्स कम्प्लीट हो। कल बहुत दिनों बाद हमें एक ऑफर भी मिलने वाला है, तो मेरे जो फ्लैग है वो रेडी है घर पे, सो बहुत ही नहा धो के वाइट कपड़े पहन के अपने विंडो पे मैं फ्लैग होस्टिंग करने वाला हूँ। ओके, कोई शेयर करना चाहिए कॉलेज या स्कूल की बातें जो आपने 15 अगस्त को आपने सेलिब्रेट की हो? एक याद मुझे बहुत अच्छे से है, आई गेस आई वॉज इन 9th और 10th, तो मैंने एक डांस परफॉर्मेंस की थी अपने पूरे ग्रुप के साथ वंदे मातरम पे, और बहुत अच्छा था वो, प्रॉपर डांस था, फ्लैग होस्टिंग थी उसी डांस के अंदर, उसमें पैराबिट बना के मैंने फ्लैग लहराया था, तो वो यादें हैं मेरे साथ। ओके, आखिर में अपने फैंस से आप कुछ कह दीजिए? 15 फैंस से यही कहना चाहता हूँ, आज के दिन मैं बेकसूर प्यार करते रहिए। थैंक।